नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। वैसे तो आपके अभी जितने भी आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, कुछ महीनों से आप लोग देख रहे हैं कि आपके आर्टिकल अधिकतर कोरोना वायरस से संबंधित ही लिखे जा रहे हैं। अभी आपका चीन और भारत का जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, झड़प हुई है, उसी पर भी कुछ आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। तो ये आर्टिकल आपका कोरोना वायरस पर आधारित ही है, भोजन की टोकरी का विविधीकरण। तो देखेंगे किस संदर्भ में अभी इसे लिखा गया है और दालों का हमारे देश में महत्व क्या है, भारत में दालों का उत्पादन और उत्पादकता क्या है, उस पर भी देख लेंगे। दालों का विपणन और किसान की आय का क्या संबंध है, उस पर भी बात करेंगे। दलहन के क्षेत्र में सरकार के हालिया प्रयास क्या रहे हैं सरकार की तरफ से, उसे भी देखेंगे। दलहनी फसलों के लिए भारत में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, यानी कि समस्याएं क्या हैं, उसे भी देखेंगे। दलहन क्षेत्र के विकास की संभावनाएं क्या है और दलहन क्षेत्र विकास हेतु अपेक्षित कदम क्या उठाए जा रहे हैं, उसे भी देखेंगे। यानी क्या आगे की राय हो सकती है इसके लिए, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड यानी कि कोरोना महामारी हमारे देश में भी अच्छा खासा 5 लाख प्लस संख्या जा पहुंची है। तो आप जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक आपको अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करनी है, ठीक है? तभी घर से निकलना है जब कोई जरूरी काम ही हो, ठीक है? और अच्छे से मास्क लगाकर अपना पूरी तरह से ख्याल रखिए। कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी ने हमारे भोजन की टोकरी में बदलाव की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया है। इस महामारी ने खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है, फलतः पोषक खाद्यान्नों की उपलब्धता भी बाधित हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने चेतावनी दी कि वैश्विक जीडीपी में प्रत्येक 1% की गिरावट के साथ 7 लाख कितना 7 लाख अतिरिक्त बच्चे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। लॉकडाउन के कारण भारत जैसे प्रचुर खाद्य भंडार वाले देश में भी यह व्यवधान देखा जा रहा है। इस संकट को भारत में भोजन की टोकरी को अधिक पोषण युक्त के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। वर्तमान में भारत में भोजन की टोकरी में अनाज चावल गेहूं की प्रधानता है और दालें भारतीय विशेषकर शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत भी है। अतः दालों को भारत बढ़ावा देकर भोजन की टोकरी में विविधता के कारण पोषक पोषण और पारिस्थितिक लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। एक बात आप लोग समझिए, अगर खाद्यान्न हमारे यहाँ ना हुआ होते तो शायद हम लोग बहुत बुरी तरह से मार खाते कोरोना इस महामारी के चक्कर में, क्योंकि बहुत हद तक हमारी अर्थव्यवस्था को खाद्यान्नों ने यानी कि हमारे यहाँ की फसल ने किसानों ने संभाल के रखा हुआ है। क्योंकि 3 महीने से आप देख रहे हैं कि कोई भी उद्योग धंधे नहीं चल रहे हैं और जो भी सहायता की है किसानों की ही वजह से हम लोग अच्छी स्थिति में, अभी जितनी भी अच्छी स्थिति है उसमें किसानों की वजह से, ठीक है? दालों की अगर महत्व की बात करें हम लोग, तो दलहन फसल अपने उच्च पोषण स्तर, खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरणीय लाभ के लिए जानी जाती है। इसे निम्न तरीके से समझा जा सकता है। उच्च पोषणीय तत्व, दलहन में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होता है एवं यह प्रोटीन के समृद्ध स्रोत होते हैं। जिस स्थानों में मांस दुग्ध भौतिकी एवं आर्थिक कारणों से सुलभ नहीं होते हैं, वहां प्रोटीन के लिए आदर्श स्रोत के रूप में दलहन का महत्व बढ़ जाता है। यानी कि आपका जहाँ मांस, या तो जो लोग मांस नहीं खाते हैं या फिर उस क्षेत्र में मांस नहीं होता है, दूध उत्पादन नहीं होता है, तो वहां आपका प्रोटीन का काम कौन करता है देने का, दलहन है। दालों में अल्प वसा एवं घुलनशील फाइबर की अत्यधिक मात्रा होने के कारण यह कोलेस्ट्रॉल को कम करके रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इन गुणों के कारण मधुमेह और हृदय रोग जैसे गैर संचारी रोगों में स्वास्थ्य संगठनों के द्वारा दलहनों के उपयोग की सिफारिश की जाती है। दलहनों से मोटापे को नियंत्रण करने में भी मदद मिलती है। आप देखते हैं कि गांव में लोगों के पास काफी दालें होती हैं, खाद्यान्न होते हैं, तो आप वहां नहीं सुनते हैं कि लोहे यानी कि आयरन की कमी है, आप ये नहीं सुनेंगे कि प्रोटीन की कमी है। वो लोग जो भी खाते हैं, अगर सूखा भी खाना खा रहे हैं, जो भी उनके पास उपलब्ध है उसमें काफी पोषक उपलब्ध रहता है पोषण, ठीक है? खाद्य सुरक्षा, किसानों के लिए दलहन एक महत्वपूर्ण फसल होती है क्योंकि वह इससे मौद्रिक आय के साथ साथ इसका उपयोग भी कर सकते हैं। इससे यह किसानों को स्थिरता के साथ साथ खाद्य सुरक्षा बनाए रखने में मदद करती है।
पर्यावरणीय लाभ। दलहन फसलों का एक विशेष गुण है नाइट्रोजन फिक्सिंग। इससे न केवल उर्वरता में सुधार होता है बल्कि खेत में उत्पादकता के स्तर को भी बढ़ावा मिलता है। कृषि में दलहनी फसलों का प्रयोग इंटरक्रॉपिंग करने के लिए किया जाता है जिससे खेत और मिट्टी की जैव विविधता बढ़ती है। साथ ही साथ हानिकारक कीट और कृषि रोगों पर भी नियंत्रण स्थापित होता है दालों के द्वारा, यानी कि हमारे खेत उर्वर बने रहते हैं। इसके अलावा दलहन फसलें कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने की अनिवार्यता को नियंत्रित कर कृत्रिम उर्वरकों पर निर्भरता को कम करता है। इस प्रकार जब यह जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण लगाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है क्योंकि इन कृत्रिम उर्वरकों को उत्पादन में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है जो पर्यावरण को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। जो आप देखते हैं रासायनिक खाद देखते हैं इनकी बात की जा रही है क्योंकि इन्हें उत्पादन करने में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है जो हमारे पर्यावरण के लिए खराब होती है। अन्य लाभ की बात करें तो दलहन फसल पशुओं के लिए हरित पोषक चारा उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही कुछ फलियों में औषधीय एवं उपचारात्मक गुण भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं भारत में दालों का उत्पादन और उत्पादकता। भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है जहां क्षेत्र के लिहाज से इसकी हिस्सेदारी 34% और उत्पादन के मामले में 24% है। इसके बाद म्यांमार, कनाडा, चीन, नाइजीरिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। पहले नंबर पर भारत, उसके बाद आपके म्यांमार हो गया, कनाडा, चीन, नाइजीरिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। इसके साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उपभोक्ता भी है, यानी कि खाने वाले लोग भी हमारे यहाँ अधिक हैं। भारत में अरहर, तुअर और चना मुख्य रूप से उत्पादित की जाने वाली दलहनी फसल है। अरहर दक्कन के पठार में उत्पादित की जाने वाली खरीफ की एक प्रमुख फसल है। दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रों में इसे रबी की फसल के रूप में भी उगाया जाता है। इसके कुल उत्पादन का 33% हिस्सा महाराष्ट्र में उत्पादित किया जाता है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य भी हैं। चना रबी काल में पैदा होने वाली एक प्रमुख फलीदार फसल है जिसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र मध्य प्रदेश की केंद्रीय उच्च भूमि और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको चना देखने को मिलेगा। चने का उत्पादन भारत में 2017-18-19 फसल वर्ष में जुलाई जून के दौरान 23.40 मिलियन टन दालों का उत्पादन किया गया जबकि वार्षिक घरेलू मांग 26 से 27 मिलियन टन थी, यानी कि कम उत्पादन हुआ। और हमारी घरेलू मांग कितनी है? 26 से 27 मिलियन टन। उत्पादन और मांग के इस अंतर को आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है, यानी कि अन्य देशों से हम लोग आयात कर लेते थे। हालांकि वर्ष के लिए सरकार ने 26.30 मिलियन टन दालों के उत्पादन को लक्षित किया और इसके 2030 तक बढ़कर 30 मिलियन टन होने की उम्मीद है। दलहन की औसत उत्पादकता बढ़कर 841 किलो हेक्टर तक पहुंच गई है, फिर भी वैश्विक औसत की तुलना में यह काफी कम है। हमारे यहाँ कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा उपज काफी अधिक होती है। भारत में दलहन उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही बहुत कम है जो भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अध्ययनों के अनुसार कम उत्पादकता के प्रमुख कारण है कीटों, यानी कि फली भेदक कीट जो 50% उपज हानि का कारण बनता है। समझ रहे हैं, जो आपके यहाँ कीट लग जाते हैं उन्हीं की। और बीमारियों का प्रकोप देखते हैं, मौसम संबंधी घटनाएं, उर्वरकों का अनुचित प्रयोग। यदि भारत को आयात पर निर्भर हुए बिना भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए पैदावार को 30% तक बढ़ाना है जो दलहनी फसलों को प्रभावित करने वाली इन समस्याओं पर ध्यान देना होगा। दालों का विपणन एवं किसानों की आय। दालों की कीमतों के मामले में किसानों को बाजार की अनिश्चित का सामना करना पड़ता है। 2015-16 में कीमतों में उच्च उतार चढ़ाव की वजह से अरहर दाल मांग में वृद्धि के साथ कीमतों में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई है। सरकार ने खुदरा कीमतों को कम करने के लिए आयात प्रतिबंधों में ढील दी, इससे आयात में वृद्धि हुई और कीमतों में कमी हुई। क्या देखा जाता है कि जब हमारे यहाँ किसी की कीमत बढ़ रही होती किसी सामान की, तो सरकार क्या करती है कि बाहर से मंगाने लगती है, उस पर बिना टैक्स लगाए भारत में आता है। तो आप समझते हैं कि आयात ज्यादा हो जाएगा, यानी कि बाजार में दाल ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगी कि कीमत नीचे हो जाएगी उसकी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वस्तु अधिक होगी उसकी कीमत अपने आप नीचे पहुंच जाती है। 2015 में उच्च कीमतों के कारण 2016 में किसानों ने दालों का अत्यधिक उत्पादन किया।
जिसके कारण भारत में आया तो उच्च उत्पादित चलते आपूर्ति अधिक हो गई और कीमतें तेजी से गिरने लगी, जिससे किसानों की आय में भी कमी होती है। आपने देखा होगा कि प्याज का अगर 100-150 रुपए किलो बढ़ गया तो अगले साल क्या सोचते हैं किसान की इतना महंगा था तो उसका उत्पादन बढ़ा देते हैं, उत्पादन बढ़ जाता है तो फिर बाजार में उपलब्ध हो जाता है तो वो कीमत गिर जाती है उसकी, यही कारण है। हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि की गई, लेकिन उच्च आयात और आपूर्ति को देखते हुए दलहन की बाजार कीमतें कम ही रहीं। इसके साथ ही सरकार द्वारा दालों की खरीद भी कम की जाती, जिससे किसानों को अपनी फसल बाजार कीमत पर बेचनी पड़ती, इससे किसानों आय कम हो जाती। इसलिए बाजार में ऐसे सुधार और पूर्वानुमानित आयात और निर्यात नीति की आवश्यकता है जो किसानों की आय, उपभोक्ता हितों, कोई उच्च खुदरा मूल्य को संतुलित करती हो। इसके सरकार निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं। ई नाम एक राष्ट्र एक बाजार की दिशा में एक अच्छी पहल है। सभी राज्यों और कृषि उत्पादों एवं मंडी समितियों को इससे जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। ग्राम स्तर के प्रसंस्करण केंद्र किसानों के लिए बाजार प्रदान कर सकते हैं। किसान उत्पादक संघ और उद्यमियों को नीतिगत समर्थन प्रदान करके ऐसे प्रसंस्करण केंद्रों को स्थापित करने की आवश्यकता है। दालों के आयात और निर्यात के लिए अनुमानित नीतिगत वातावरण की आवश्यकता है। आयात के अचानक लिए जाने फैसले किसानों को संकट में डाल देते हैं। पोषक मानकों में सुधार करने और किसानों के लिए एक बाजार प्रदान करने के लिए दलहन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्याह्न भोजन में शामिल किया जाना चाहिए। ये वही बात की जा रही, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो सोसाइटी में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मिलता है, मध्याह्न भोजन जो स्कूलों में आप देखते हैं उसकी बात कर रहा हूं। दलहनी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने हालिया प्रयास क्या किए उन्हें देखिए। राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, दलहन सीड हब कार्यक्रम, तेलहन दलहन आयल पाम और मक्का फसलों में समन्वित कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए दलहनों की बुवाई क्षेत्र में के विस्तार पर जोर देना, दलहनों के लिए प्रभावकारी फसल बीमा स्कीम प्रारंभ करना। दलहन की खेती अधिकतर वर्षा सिंचित क्षेत्रों में की जाती है, इसलिए जल संरक्षण उपाय करने पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में किसानों को MSP सुनिश्चित करने हेतु दलहन और तेलहन के लिए मूल्य समर्थन योजना, तेलहन हेतु भावांतर भुगतान योजना और पायलट स्कीम निजी खरीद एवं स्टॉक्स्ट योजना शामिल है। PM आशा योजना में 15,053 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है। दलहन फसलों के लिए भारत में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं उन्हें देखिए। दलहन उत्पाद दलहनी फसलों को प्रभावित करने वाले कारकों में वर्षा एक प्रमुख कारण है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में अधिकतर क्षेत्र वर्षा पर आधारित होता है, मानसून पर आधारित ही रहता है, मानसून पर निर्भर रहता है। इसलिए आप सुनते हैं कि हमारी फसल को मानसून का जुआ कहते हैं, यानी कि मानसून अच्छा रहा तो फसल अच्छी रही, अगर नहीं रहा तो फसल प्रभावित रहती है। भारत में दलहन उत्पादक क्षेत्र वर्षा वाले आधारित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, इसलिए उनकी उत्पादकता वर्षा की मात्रा और वितरण द्वारा नियंत्रित होती है। वर्षा की तीव्रता और वितरण से खरीफ की दलहन फसलें जल ठहराव ऑक्सीजन तनाव की चपेट में आ जाती है। वर्षा की कमी के चलते रबी दलहनी फसलों की पानी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। चरम मौसमी स्थिति जैसे कि तापमान के अचानक बढ़ने या कम हो जाने से पौधों के फूल मुरझा जाते हैं या फिर जल्द पकने लगते हैं, फलतः अनाज की पैदावार कम हो जाती है। कीट और बीमारियां भी दलहनी फसलों के लिए प्रमुख चुनौती है हमारे देश में। राष्ट्रीय समेकित नस्सी जीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र ने अपने अध्ययन में फली भेदक हेलिकोवार्पा आर्मीगेरा फ्यूसेरियम बेल्ट रूट रोड्स चने में एस्कुचिया ब्लाइट के द्वारा मध्य प्रदेश कर्नाटक राजस्थान महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश गुजरात तेलंगाना में दलहनी फसलों में 10-90% का नुकसान का रिकॉर्ड किया है। इन कीटों और मुझे बांझता रोग के कारण तूर की फसल को 15-60% तक की क्षति हो जाती है। आपने अभी देखा होगा कुछ ही दिन पहले अभी टिड्डे का दल हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर आया था पाकिस्तान की ओर से, तो आप समझ सकते हैं कि इतना था कि अगर एक खेत में बैठ जाए तो 5-6 मिनट में वो खत्म कर सकता था, इतना भयंकर टिड्डी दल था।
लेकिन काफी हद तक उस समय हमारे यहाँ फसल कट चुकी थी, तो इसलिए ज्यादा हमें नुकसान नहीं हुआ। इन सब के अलावा छोटी जोत आकार और कम सीमित दलहन उत्पादक क्षेत्र भी देश में दलहन के कम उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। दलहन क्षेत्र के विकास की संभावना है। बढ़ती जनसंख्या और खाद्य जागरूकता से दलहन की मांग बढ़ी है, जिसके कारण पोषण एवं खाद्य सुरक्षा में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मृदा कार्बन अवशोषण के संदर्भ में दलहन सर्वोत्तम फसल है। फसल प्रणालियों में दलहनी फसलों को शामिल करके मृदा कार्बन अनुक्रमिक क्षमता का दोहन किया जा सकता है। एकल फसल प्रणालियों की तुलना में अंतर फसल या फसल आवर्तन उच्च मृदा कार्बन संचयन में अधिक कारगर होती है, जैसे दलहनी फसलों के साथ आमतौर पर किया जाता है। दलहनी फसलें जैविक खेती के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि यह उच्च भूमि वाली, उच्च मूल वाली और कम उर्वरक की आवश्यकता वाली फसल के साथ जैविक खेती के लिए फसल और किस्मों के चयन के सभी महत्वपूर्ण मानदंडों को पूरा करती है। दालें आमतौर पर अनाज गेहूं चावल की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक मूल्य प्राप्त करती हैं, और पोषक तत्वों की आवश्यकता के रूप में आमतौर पर दालों को कम मात्रा में पोषण की आवश्यकता होती है। उच्च MSP और अच्छे व्यापार के अवसरों के साथ दलहन उत्पादक का FPO फेडरेशन बनाकर स्थानीय क्षेत्र में रोजगार सृजन और क्लस्टर फेडरेशन स्तर पर दालों के प्रसंस्करण से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो सकते हैं। दलहन क्षेत्रक विकास हेतु अपेक्षित कदम क्या है उन्हें देखिए। 2030 तक हमारे देश की आबादी 150 करोड़ हो जाएगी, जिससे दालों की अनुमानित मांग बढ़कर 33 मिलियन टन हो जाएगी। अगर हमें आयात से बचना है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, यानी कि जो अभी आपके देश में नारा चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, तो उसी की बात की जाएगी कि अगर हमें अपने आप पर निर्भर रहना है तो दशक में हमारी मौजूदा पैदावार की दर 835 किलोग्राम हेक्टर से कम 30% की बढ़ोतरी करनी होगी। इसके लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं, क्या क्या? अनुसंधान में निवेश, पैदावार में वृद्धि और प्रोटीन प्रचुरता, दलहनी किस्मों को फली फल भेदक कीटों के प्रति अधिक सहिष्णु बनाने के लिए अनुसंधान में निवेश किया जाना चाहिए। चूंकि ये अधिकतर वर्षा आधारित फसलें होती हैं, इसलिए ऐसी किस्में विकसित करने की तीव्र आवश्यकता है जो तेजी से परिपक्व होती हैं। अरहर की हाइब्रिड किस्में विकसित करने के लिए हमें आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। कीट प्रतिरोध किस्मों में को विकसित करने के लिए BT तकनीक का प्रयोग भी किया जा सकता है। प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने के लिए हौज रेल तकनीकी जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। इसके अलावा सूखा प्रतिरोधी किस्मों की का जीनोम अध्ययन करके पानी के उपयोग की दक्षता को भी विकसित किया जाना चाहिए, यानी कम पानी की जहां जरूरत पड़ती हो ऐसी फसलों का उपयोग किया जाना चाहिए। दालों का, दालों में भी कई वैरायटी की दालें होती है ना, जो कम पानी की होते हुए भी उग जाती हैं, अच्छा उत्पादन देती। गन्ने और चावल के साथ दलहन उत्पादन के लिए मिश्रित फसल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रतिभूमि को दलहन के माध्यम से खेती में लाया जा सकता है, जिससे उसकी उर्वरता में भी वृद्धि हो सकेगी। आगे की राय क्या हो सकती है उसे देख लीजिए। दलहन खाद्य सुरक्षा पोषण और पारिस्थितिकी संतुलन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने की जरूरत है। यह 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ साथ सतत विकास लक्ष्यों लक्ष्य 2 कोई भूखे ना रहे, लक्ष्य 12 जिम्मेदार खपत को प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। याद रखिए इन 17 लक्ष्यों को हम लोगों ने बात कर चुके हैं, स्पेशल वीडियो पूरा ISPCS में डाला हुआ है प्लेलिस्ट सूची में। सतत विकास लक्ष्यों को आप लोग रख लीजिए, क्योंकि मेंस साइट आंसर राइटिंग के लिए आपको जरूरी रहते हैं और वैसे भी प्रीलिम्स में भी पूछते रहते हैं आपके, ठीक है? तो चलिए, ये थी आपकी पूरी दालों भोजन की टोकरी का विधिवीकरण से संबंधित, यानी कि दालों के संबंध में आर्टिकल।